पाकिस्तान पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मर मिट जाएं। अच्छा, और अब प्लीज आपकी बड़ी मेहरबानी, वरना आवाम खुदकुशी कर लेगी। हाँ। और उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। और हमें 8 दफा ये चीज देखने को मिली है, इतना इतने रंज में हम इस टाइम, अब देखे ना, हम सीधे 4-5 लोग इधर मैच इस टाइम देख रहे हैं, है। बाकी लोग अपने कारोबार, इंडिया पाकिस्तान का मैच है ये। हाँ। और पाकिस्तान, हम तो उस दौरान छुट्टी का माहौल होता था, अब वो चीजें नजर नहीं आ रही है। कुछ वजह ये है कि भाई पहले ही पता है कि यार परफॉर्मेंस है ही नहीं है इनकी, दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। ऊपर से आवाम को महंगाई के लाले पड़े हैं, ऊपर से वो टीवी तोड़ने वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म ही हो चुका है ना। बात है आप सर, 2011 में वर्ल्ड कप हुआ। हाँ। ये तो जरदारी साहब की मेहरबानी, इन्होंने मैच हरवाया। अच्छा, आज ही जरदारी साहब ने मैच हरवाया। ये भाई, ये मैच आज जरदारी साहब ने हरवाया मैच। मुझे थोड़ा बताएं, उसने पैसे थोड़े लिए जरदारी साहब ने। अच्छा। करोड़ों रुपया लिया जरदारी साहब ने ये मैच। जरदारी साहब इस टाइम ना गवर्नमेंट में है ना दूर दूर तक उनका ताल्लुक है, और वर्ल्ड कप चल रहा है। मुझे पता है जरदारी साहब की नहीं, वर्ल्ड कप चल रहा है, जरदारी की नहीं चल रही है। वो घर बैठा जुआ लगा रहा है। अच्छा, वो इधर खिलाड़ियों को कहता हार जाओ हार जाओ, वो ऊपर से धमकियां दे रहे हैं खिलाड़ी को, हम मार देंगे, ये कर देंगे, वो धमकी दे रहा है। गवर्नमेंट दे रही है, कौन दे रहा है इंडिया की? पाकिस्तान की हार की जितनी जिम्मेदार वो खुद है, उससे ज्यादा जिम्मेदार इस बंदे जैसे लोग हैं, जिनको आज तक अपनी टीम पर भरोसा ही नहीं हुआ कि वो मैच फिक्स करते हैं या दूसरी टीम ने प्रदर्शन ज्यादा अच्छा कर दिया। वो दिन टीम इंडिया का था, इसलिए वो मैच जीत गई। हाँ, ये बात सही है कि पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन इतना बुरा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में मैच फिक्स होते हैं, क्योंकि हर टीम अपने देश के नाम के लिए खेलती है, और इस बंदे जैसे लोग कभी ये बात समझ नहीं पाते। भारत सरकार जितनी इज्जत जितना अच्छा उनका स्वागत भारत में कर रही है, वो शायद आप लोग अपनी टीम के वापस पाकिस्तान आने पर भी नहीं करोगे। अगर इस बंदे से ये पूछा जाएगा कि क्रिकेट के रूल्स क्या है, तो शायद ये 2-3 रूल्स से ज्यादा नियम बता भी नहीं पाएगा। लेकिन इसको इंटेलिजेंस वालों ने डायरेक्ट कॉल करके ये जरूर बताया है कि भारत की सरकार पाकिस्तान की टीम को धमकियां दे रही है। आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, ठीक है, नहीं, और प्लीज मेहरबानी। हाँ। या तो ये खेलना छोड़ दें। अच्छा। या हारना छोड़ दें। उन्हें टॉस जीत के पाकिस्तान को बैटिंग विकेट के ऊपर बैटिंग का मौका दिया है, ये बड़ा एक पॉइंट वाली बात है। हाँ। कि उन्होंने टॉस विन किया और पाकिस्तान को बैटिंग के लिए भेजा है, इनमें पता नहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस से या बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस से, इनसे वो प्लेयरिंग नजर ही नहीं आई। हाँ। आगे, आगे। अच्छा, पहले लोग कहते थे अच्छा पाकिस्तान की टीम अगर वापस आती है इसी परफॉर्मेंस के साथ, वैसे तो हम दुआ करेंगे अच्छी परफॉर्मेंस हो, लेकिन इसी परफॉर्मेंस के साथ वापस आएगी तो कैसे वेलकम करेंगे, एयरपोर्ट से लेने जाएंगे, कैसे लेने जाएंगे? मैं तो घर से बाहर नहीं निकला शर्म के मारे। अच्छा, अब मुझे तो अपने घर में ही शर्म आती है। मैंने अपने कहा सब घर वालों को कि पाकिस्तान जीतेगा, तो पाकिस्तान जीतेगा, ठीक है। मेरे घर वाले कहते हैं कभी ये जीत के आए। हाँ। मैं उनके साथ बस मैं थप्पड़ मार गया। हाँ। अरे तुम लोगों को जरा ही शर्म नहीं आई, ठीक है। आई हेट यू। वर्ल्ड कप जीतेगा, आ जाओ, हम ड्यूटी करेंगे। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप पर, लेकिन परफॉर्मेंस के हवाले से भजन जीतेगा। हम पाकिस्तानी है, हम जीतेंगे बस। बिल्कुल, मैं भी पाकिस्तानी, सब पाकिस्तानी है, चाहते हैं जीते, लेकिन सिर्फ कह देने से नहीं, थोड़ा सा परफॉर्म करने, कह देने से नहीं, ये इसके ऊपर परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जो गलतियाँ आज हमसे हुई है इसके ऊपर हमें फोकस करते हुए नेक्स्ट वो ना कीजिए, और कोशिश मेरी और दुआओं आपकी बात ठीक है वो चलेंगी, लेकिन पाकिस्तान को परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। मैं ये चाहूंगा कि आने वाले मैच पाकिस्तानी जीते, लेकिन ये है कि आज जो मैच इंडिया जीता है वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से जीता है, उसके ऊपर मैं ओपनली पाकिस्तान में खड़ा होकर उन्हें कंग्रेचुलेशन कहता हूँ, और पाकिस्तान की टीम से ये कहता हूँ कि आप भी परफॉर्मेंस करें और हमें कंग्रेचुलेशन कहने का मौका दें।